सुप्रीम कोर्ट में चर्चा। वो फरियाद सुनाने आए थे मगर दिया कुछ नहीं, मीटिंग से खोया कुछ नहीं पाया ही है। अदलिया के इदारे और अपने इस भाई पर एतबार करें, इदारे और वकला को मायूस नहीं करूंगा। मरी में तजावुजात के खिलाफ केस की समाप्त के दौरान चीफ जस्टिस का लतीफ खोसा से मुकालमा। एमकेएम की कन्वीनियरशिप फिर फारूक सत्तार को मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओहदे से हटाने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। कहीं पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात न बढ़ जाएं, जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, ऐसा कुछ नहीं होगा, बाबर सत्तार की यकीन दहानी। एहतसाब अदालत में एवन फील्ड रेफरेंस की समाप्त। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पेश। ख्वाजा हारिस जीआईटी के सरबरा वाजिद जिया पर जिरह करेंगे। तेराब स्कैनल में यूसुफ रजा गिलानी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। साबिक वजीर आजम का सेहत जुर्म से इनकार। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं वजीर आजम का चेयरमैन सेनेट से मुलाकात से इनकार, इदारे की तौहीन है। नवाज शरीफ को अब एहसास हुआ है कि उन्होंने गलती की, मेरा नवाज शरीफ को माफ करने से फर्क नहीं पड़ता। सलमान रफीक नैब के सामने पेश। फवाद हसन फवाद की आज दोबारा नैब में तलबी। हुकाम का वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जवाब पर अदम इत्मीनान। मलाला यूसुफ सईद 6 साल बाद पाकिस्तान आमद। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात। मरियम औरंगजेब, अनुशे रहमान और मारवी मेमन से भी मुलाकात में मौजूद। BISP का दायरा कार मजीद बढ़ा रहे हैं, तवक्को है आइंदा हुकूमत भी प्रोग्राम को जारी रखेंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वजीर आजम का एजुकेशन एंडोमेंट फंड के लिए 1 अरब रुपए का ऐलान। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के नाम से नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ पार्टी तर्जुमान मुकर्रर। सरफराज बुगटी और प्रिंस अहमद अली मंशूर बनाएंगे। चंद रोज में ओहदेदारों का ऐलान होगा। कोयटा में रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इमरान खान एक रोजा दौरे पर आज कोयटा पहुंचेंगे। मेंबर साजी कैंपों का दौरा और बलोच अवामीन से भी मुलाकात करेंगे। 5 और 6 अप्रैल को सिंध का दौरा भी करेंगे। एमकेएम बहादुराबाद की एक और पतंग कटने को तैयार। एक और ख्वातीन रुकने असेंबली फौजिया हमीद भी PSP में शामिल होंगी। जिला शामुखी में गंदे पानी में जनाजे की तस्वीर के अस्कुत नोटिस की समाप्त। MNA राव अजमल और चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी सुप्रीम कोर्ट में पेश। ये आपके इलाके में क्या हो रहा है, खुद देखे, वहां से जनाजा गुजर सकता है। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी को 1 माह में मसाइल हल करने की डेडलाइन। सिंध में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात में बूटी माफिया बेलगाम। लड़काना पन्नू आकिल और घोटकी में फिजिक्स बायोलॉजी के पर्चे वक्त से पहले आउट। फोरेस्ट स्टेट की दुकानों पर 50 रुपए में फरोख्त। सूरज आज भी आग बरसाएगा। शहर का दर्जे हरारत 40 डिग्री को छूने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है शहरी धूप में न निकले, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। लाहौर का मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस धरना चौक बन गया। लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना 4थे रोज भी जारी। हेल्थ वर्कर्स का वाजिबात 2 एक साथ में अदा करने पर इसरार, हुकूमत का इनकार। में गोदाम की छत गिरने से 13 अफराद जा बहक। मरने वालों में 6 खातीन और 12 साल बच्ची भी शामिल। वेंजुएला में फसादात, कैदियों ने जेल तोड़ दी। पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। 68 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिस, इमदादी कार्रवाइयां जारी।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और वजीर को फारिग कर दिया। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की देखभाल के वजीर डेविड शेटल पर कई इल्जाम लगाए गए। ट्रंप के जाती मालिक रॉनी जैक्सन नए वजीर मुकर्रर। अमरीकी अदालत में सऊदी अरब के खिलाफ 9/11 हमलों से मुतालिक केस की समाअत। सऊदी अरब पर 9/11 हमलों की मनसूबाबंदी में मदद देने का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा के जिला गर्ग में 150 से 200 अफराद, बड़ी तादाद खातीन की है। दो वक्त की रोटी कमाने के लिए मामूली मुलाजमत करने पर मजबूर। बास क्रिकेट के भी शौकीन, कहते हैं कद बड़ा होता तो शाहिद आफरीदी थे, अच्छा खेलते।